खेलों के महायुद्ध ओलंपिक में भारत का इतिहास देखा जाए तो भारत के लिए लंदन ओलंपिक सबसे सफल रहा है। उस समय भारत में 6 पदक आए थे। साइना नेहवाल, सुशील कुमार व मैरी कॉम ने इन खेलों में पदक जीते थे। वहीं विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक देश के नाम किया था और साइना के कांस्य, महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के कांस्य पदक की लोगों ने जमकर चर्चा की थी, जिसमें से कई चेहरे तो ऐसे हैं जिन पर फिल्म भी बना दी गई है। लेकिन वहीं इन खेलों में विजय कुमार, जिन्होंने निशानेबाजी में पदक अपने नाम किए, फिर भी ऐसा लगता है कि लोग उनका नाम भूल ही गए हैं। हम आपको बता दें कि कम उम्र से ही विजय कुमार को शूटिंग से प्यार था, जिसके चलते 2011 में भारतीय आर्मी का हिस्सा बने और लंदन ओलंपिक में देश के लिए एक पदक जीतकर अपना सपना पूरा किया। लेकिन आज के समय फिर भी विजय कुमार लोगों को याद ही नहीं है। विजय कुमार कहाँ है, क्या कर रहे हैं, लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी विजय कुमार देश सेवा कर रहे हैं। इस समय विजय कुमार हिमाचल प्रदेश में पुलिस में DSP पद पर तैनात हैं। उन्होंने कहा, फिलहाल तो मैं पुलिस नौकरी पर ही व्यस्त हूँ। पुलिस का काम सबसे व्यस्त काम होता है। वहीं कोरोना महामारी के समय तो पुलिस के पास ओवरलोडेड काम है, जिसके चलते अभी तो टाइम नहीं मिल रहा है। वहीं शूटिंग का पूछने पर कि आप किस तरह से गेम से जुड़े हुए हो, तो इस पर विजय ने कहा कि मैं पिछले 3 साल से गेम से नहीं जुड़ा व किसी तरह की कोचिंग भी नहीं दी, लेकिन मेरा गेम को फिर से शुरू करने का मन है। पुलिस विभाग से टाइम मिलने पर मैं फिर से गेम्स शुरू करूंगा। हम आपको बता दें कि इस साल टोक्यो ओलंपिक में भारत के कई निशानेबाज पदक के उम्मीदवार हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, जब टोक्यो में भारतीय निशानेबाज को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार निशानेबाजी में भारत को पदक जरूर मिलेगा और सभी लोग एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। अब सब कुछ खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर करता है और हर किसी के अंदर काबिलियत होती है, वह पदक जीत सकता है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पदक जीतेंगे। डेस्क से शिल्पी मित्तल की रिपोर्ट।